चलिए बात हरिद्वार के त्रिस्तरीय पंचायत चुनाव की करेंगे। आपको बता दें कि लक्सर हरिद्वार में त्रिस्तरीय जिला पंचायत चुनावों को लेकर सभी पार्टियों ने यहां पर अपने प्रत्याशी मैदान में उतार रखे हैं, जहां पर 38 यूनियन पूर्व जिला पंचायत सीट से यहां पर बीजेपी के पूर्व विधायक के भाई अजय गुप्ता को मैदान में उतारा है। तो वहीं राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के उम्मीदवार आर्य प्रभात भी मैदान में है, जहां पर कांग्रेस के प्रत्याशी संजय सैनी के साथ यहां पर तीनों प्रत्याशियों का त्रिकोणीय मुकाबला देखने को मिलेगा। वहीं जनता भी यहां पर तीन योजनाओं से रहे अजय गुप्ता को लेकर क्षेत्र की जनता में काफी रोष देखने को मिल रहा है। यहां पर निरंजनपुर विधानसभा से कई ग्रामीणों से हमने बातचीत की और 15 साल से जिला पंचायत सदस्य रहे अजय गुप्ता जो है 10 वर्षों से पूर्व विधायक संजय गुप्ता के खिलाफ क्षेत्र में काफी नाराजगी देखने को मिल रही है, जिसका फायदा राष्ट्रवादी जन लोक पार्टी के उम्मीदवार आर्य प्रभात को मिलता हुआ दिखाई दे रहा है। प्रभात आर्य जिला पंचायत 38 निरंजनपुर से इस बार पंचायत सदस्य पद हेतु यहाँ अपना आवेदन किया है। अपने सभी बड़े बुजुर्गों से, मेरे पिता तुल्य, चाचा, ताऊ, छोटे भाई, बड़े भाई, यहाँ सब लोग इस क्षेत्र के रहने वाले हैं। मैं यहीं का निवासी हूँ, यहीं पला बड़ा हूँ और सबसे अपील करता हूँ कि कृपया इस बार विकास के लिए, समाज के उत्थान के लिए, इस सामाजिक जो ये राजनीतिक जो तंत्र जो हमें एक दूसरे के साथ भिड़ाने का काम करता है, समाज को तोड़ने का काम करता है, ये तुष्टिकरण की राजनीति से बाहर निकलकर इस बार आप अपने बच्चे के लिए, अपने क्षेत्र के लिए वोट करें, सपोर्ट करें। आने वाली 26 तारीख को कुल्हाड़ी के चुनाव चिन्ह पर अपनी मोहर लगाकर अपने हाथों को मजबूत करें और मैं गारंटी दावा करता हूँ ये 15 दिन जो अभी चुनावी मौसम है, ये लोकतंत्र का सबसे बड़ा पर्व है, ये राष्ट्रीय पर्व है चुनाव। और जिस दिन हम वोटिंग करते हैं 100% मतदान करें, मैं सबसे अपील करता हूं और अपने आने वाली संतति के लिए, आने वाले भविष्य के लिए, अपने बच्चों के लिए एक अच्छी व्यवस्था को लेकर आएं। मैं आप सबका धन्यवाद व्यक्त करता हूं। रही बात विकास कार्यों की, आपने अभी एक सवाल मुझे किया कि आपका मैनिफेस्टो क्या, आप किसे लेकर आगे चलते हैं। मैं समझता हूँ कहीं ना कहीं इस पिछड़े हुए क्षेत्र में, ये हमारा बाढ़ पीड़ित क्षेत्र है, यहाँ आसपास के सारे गांव बाढ़ से हमेशा प्रभावित रहते हैं। भाई जितनी भी राष्ट्रीय पार्टी हैं इस तरफ बिल्कुल ध्यान नहीं देती, एक भी व्यक्ति आज तक यहाँ ऐसा तैयार नहीं कर पाए जो इस क्षेत्र का हो, लोकल की जो जन समस्याएं हैं उनको उठाकर हम राष्ट्र के जो मुख्य पार्टी हैं, जो हमारी संसद है, जो विधायिका है, विधायिका तक लेकर जाएं, ऐसी एक भी व्यवस्था यहाँ नहीं है। और मैं नशा मुक्त, दुर्व्यसन मुक्त समाज चाहता हूँ। मैं आप सबसे अपील करता हूँ कि कम से कम 15 दिन अब बहकावे में ना आए। अब हम सब एक दूसरे को कहीं ना कहीं किसी ना किसी प्रकार से दबाएंगे भी, धमकाएंगे भी, ऐसी बहुत सारी व्यवस्थाएं जो पुराने राजनीतिज्ञ हैं वो दारू के लालच भी देंगे, पैसों का लालच भी देंगे। आप सबसे अपील करता हूँ कृपया इस व्यवस्था को छोड़कर एक अच्छी व्यवस्था में लगें। आप सबका धन्यवाद, नमस्ते। ऐसा आदमी जो हमारे इलाके का आदमी खड़ा हो, और वो तो दूर के आदमी हैं, देखने जाके कहना यहाँ मिलती ही नहीं है। नहीं जो पहले 10 साल से यहाँ रहे जी, उनसे कितने संतुष्ट है? भाई हम तो उनके यहाँ एक फेरी भी नहीं गया बोलो है। नहीं एक हमें जो जरूरत पड़ी थी यहाँ थी, जो पप्पन को भी कहा था, हमारे लड़के का मोबाइल जो थाने में पड़ा और कई आदमियों को कहा था, किसी ने हमारे मोबाइल में पड़वा, और जो कि इतना कहा था कहना भाई हमारे लड़के ने ये कहा था हिंदुस्तान जिंदाबाद, और उसी में ही हमारा मोबाइल आज लो नहीं मिला और थाने में ही पड़ा। और हमने और को भी कहा, गांव वालों को भी, तो हमें तो इतना पता जी, और बाकी पता नहीं है। हमारे इलाके का आदमी जो आगे बढ़ेगा बहुत खुशी होगी। देखिए 10 साल नहीं, हमने 15.5 साल दिए, 3 योजना रहे हो और भरपूर समर्थन हमने उनको दिया, भरपूर दिया जितना हमसे हो सका। लेकिन इस क्षेत्र में जरा आप मीडिया वाले हैं, इधर घुमा दिए कैमरा सड़क की तरफ को, नालों की तरफ को आप कैमरा घुमा दीजिए और देखिए क्या नाम ले रहे हैं, यहाँ क्या स्थिति है। 10 साल उसी के परिवार को
हमने दो योजनाएं दी, विधायक भी रहे। इसके बाद जो विकास हुआ, परिवारवाद, कांग्रेस में परिवारवाद, ये तो वो गाते हैं, अपने परिवारवाद को वो नहीं देख पा रहे हैं। जैसा कि भाई ने अभी कहा, अगर उनके अलावा कोई जय भारत लगा नारा लगा दे तो मोबाइल के अब अंदर आदमी को भी पूछा दें। अब इतना रोष इस क्षेत्र के अंदर उनके खिलाफ हो रहा है जनता में, ये जनता तो जनार्दन है, ये ही जवाब दे पाएगी उनको। कितने बच्चे उन्होंने 20 साल पी गए इस क्षेत्र के, ये खद्दर का क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जल भराव यहाँ बहुत होता है, क्या उन्होंने किया ये जनता बता देगी। रही बात इस प्रत्याशी की, यंग प्रत्याशी है, कार्य सामाजिक कार्य से जुड़ा हुआ है, जमीन से जुड़ा हुआ है, तो हम क्षेत्रवासी अब की बार ईमानदार स्वच्छ छवि कार्य करने वाला ऐसे व्यक्ति को चुनना चाहते हैं और चुनेंगे भी।